तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ राय। आप सभी देख रहे हैं हिंदी टेक वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको BSNL का VIP नंबर चाहिए जिसमें बहुत सारे जीरो हो या फिर बहुत सारे पाँच हो या फिर कोई सीरियल नंबर हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको BSNL e-auction का साइनअप से लेकर BSNL का नंबर सेलेक्ट करने से लेकर बिडिंग तक का सब प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ मोबाइल में, जिसके लिए मैंने मोबाइल में गूगल क्रोम को खोल रखा है। आप गूगल क्रोम का यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास लैपटॉप या PC हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम में टाइप करता हूँ BSNL e-auction। देख सकते हैं दोस्तों BSNL e-auction का साइट खुल के आ चुका है। सबसे ऊपर का जो साइट है वही ऑफिशियल साइट है BSNL e-auction का, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे बिडिंग चल रही है। सबसे ऊपर जो राजस्थान है, एग्जाम्पल के लिए मैं राजस्थान को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है, BSNL e-auction की साइट आ जाती है। इसमें राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा रजिस्टर एंड लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। फिर इस तरह का पॉपअप आएगा, अगर आप नए हैं तो आपको साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी को दोबारा डालना होगा, उसके बाद साइनअप पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा साइनअप हो चुका है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं आप दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें राजस्थान का टाइमिंग चल रहा है कि कितने देर से बिडिंग बाकी है, कितना समय बाकी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा अवेलेबल नंबर्स, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद राजस्थान में जितने भी नंबर अवेलेबल होंगे बिडिंग जिस पे चल रही है वो आ जाएंगे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों करना क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख रहे हैं आप नंबर दिया हुआ है, उसके बगल में बेस वैल्यू दी हुई है। ये वो वैल्यू है दोस्तों, मतलब ये वो रुपए हैं जो कम से कम बिडिंग से स्टार्ट होंगे। जैसे 1.5 लाख का है तो 1.5 लाख से ऊपर आपको बिडिंग करना होगा। उसके राइट साइड में जो दिखा है 25,000, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है दोस्तों। बिडिंग शुरू करने से पहले ही आपको ये अमाउंट पे करना पड़ता है। उसके बाद डेट लिखा है कब से बिडिंग स्टार्ट है, कब तक चलेगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ऊपर वाला नंबर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आपको ऊपर लिखा हुआ आ गया कंटिन्यू टू कार्ड, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बताएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद आप बिडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे करने पर ऐसा आ जाता है दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप लोग तो इस पर नंबर लिखा है और 2500 रुपये मुझे पे करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद मेरे को बिडिंग स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो वो ऑप्शन कहाँ पे आता है दोस्तों, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है ये अवेलेबल नंबर्स के नीचे माई बिड स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका बिडिंग का यहाँ पर दिखा देगा कि आपको किस नंबर पर बिडिंग करने के लिए आप एलिजिबल हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करने के बाद ही ये सब दिखाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको बता दिया कि आपको e-auction पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, नंबर सेलेक्ट कैसे करना है और उस पर बिडिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।